वेलकम इन न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है होली और आप सभी को हैप्पी होली। तो गाइस ये देखिए, अभी हमारे आर्यन सो रहे हैं और आदर्श उठ गया है। आदर्श चाय पी रहा है, बिस्किट खा रहा है और इनकी अभी सुबह नहीं है। हमारे आर्यन ये देखो, अभी इनकी होली नहीं शुरू हुई है। तो चलिए इनको सोने देते हैं और मिलते हैं अपने आदर से सुबह। ये देखो चाय बिस्कुट छुपा हो गई। गाइस मैं नहा चुकी हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मुझे करनी है पूजा। क्योंकि अगर मैं नहाती ना, मैं यही सोचती कि होली खेलने के बाद नहाऊंगी तो मेरी पूजा भगवान की नहीं हो पाती। तो मैंने सबसे पहले सुबह नहाकर अपने भगवान की पूजा की। सबसे पहले अपने भगवान को गुलाल लगाया है। ये देखिए मैंने लड्डू गोपाल को और सभी को गुलाल लगाया है। सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत की है होली खेलने की, क्योंकि सबसे पहले भगवान को भी याद करते उन्हीं की पूजा की जाती है, उसके बाद दिन अभी शुरू होता है। तो गाइस मैंने सबसे पहले पूजा की है और गाइस पूजा करने के बाद ये देखिए खाना भी हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि हम लोग यही करते हैं कि सबसे पहले पूजा करने के बाद में खाना बना कर रख लेते हैं और उसके बाद में होली खेलते हैं। क्योंकि फिर ये नहीं रहता है कि हमें होली खेलने के बाद बनाना है खाना, कोई टेंशन ही नहीं रहती। आराम से ही होली खेलो फ्री हो के, उसके बाद होली खेलने के बाद कितना टाइम लगता है। हेलो गाइस, हैप्पी होली। तो गाइस हमने खाने में बनाया है मटर पनीर की सब्जी और एक आलू जीरा बनाया है और हमने बनाया है पूड़ी और पुलाव बनाया है हमने। ये सारी चीज़ें हमने बनाई है और उसके बाद में हम लोग थोड़ा पापड़ चिप्स भी भूज कर रख देंगे। यानी हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोगों को होली खुल खेलने के बाद कुछ काम ना करना पड़े। तो गाइस हम हर होली में इसी तरह करते हैं। और ये सब बच्चे आप ऊपर देखिए जा रहे हैं होली खेलने के लिए। और कभी देखा है? अरे नरस, और कभी देखा है?
और गाइस ये देखिए ऊपर होली खेलने के लिए तैयारी हो रही है। देखो वाटर बलून भरे जा रहे हैं और सब कलर कलर ला के रखा गया। अर्चना तैयारी, अर्चना पहले से तैयारी कर रही है। होली का ग्लो है भाई, अभी कुछ नहीं लगाया। तेल वेल लगाए ले रही सर में। हाँ नहीं तो कलर लग जाएगा ना, छुटा ही नहीं करते। और गाइस ये देखिए मैं होली खेलने के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए इस बार मैंने होली में ये सोचा कि मैं कुछ यूनिक करूँ। ऐसे तो सूट पहन के सभी खेलते हैं, पर मैंने इस बार सोचा कि मैं साड़ी पहनूंगी। तो गाइस ये देखिए मैं साड़ी पहने हुई हूँ। ये ऐसी साड़ी है कि इस पर कलर चढ़ेगा नहीं, छूट जाएगा। और गाइस एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो साड़ी मैं वेयर कर रही हूँ यानी जो पहन रही हूँ, ये साड़ी है मेरी अम्मा की। और ये जब भी मैं इसे पहनती हूँ मुझे अपनी अम्मा की याद आ जाती है कि वो अब नहीं है इस दुनिया में। तो इस बार मैंने होली में ये देखिए वही साड़ी पहनी है और उसे पहनकर मुझे थोड़ा लगता है कि जैसे कि मुझे उनके उनका होने का एहसास लगता है। तो गाइस मैं देखिए ये लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, और ये मामा अर्थ का है मॉइस्चराइज़र। इसे मैंने अपने फेस पर अच्छे से लगा लिया है क्योंकि इसे लगाने से ये रहता है कि जो कलर है वो अच्छे से जब आप फेस को वॉश करोगे तो छूट जाता है, मतलब चढ़ता नहीं चेहरे पर। तो मैंने अच्छे से अपने सारे फेस पर ये मॉइस्चराइज़र मामाअर्थ का यूज़ किया है। अब मुझे कितना भी कलर लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो साफ ही हो जाएगा। और गाइस मैंने अपने बालों में भी ऑयल और अच्छे से लगा लिया है क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा कलर पड़ता है। जब होली होती है तो उसमें ये थोड़ी देखा जाता है कि कहाँ पड़ रहा है, और ख़ास तौर से बालों में तो लोग भर भर के कलर डालते हैं, गुलाल डालते हैं। तो मैंने अपने बालों में भी ऑयल अच्छे से लगा लिया है, यानी कि अगर कलर बालों में रहेगा भी तो मतलब उससे ज़्यादा बालों को कोई हार्मफुल नहीं पहुँचेगा। तो गाइस मैंने बस ऑयल लगाकर अच्छे से ये देखिए मैंने हेयर पिन लगा ली है और बस मैं जुड़ा बना दूँगी। और उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे बालों में कुछ कलर ज़्यादा होगा तो छूटेगा नहीं। बहुत ड्राई हो जाते हैं बाल और अजीब से हो जाते हैं जब ज़्यादा कलर बालों में लग जाता है, तो इसीलिए मैंने ऑयल लगाना बेटर समझा। तो ये देखिए मैंने सब कुछ एकदम अच्छे से कर लिया है। अब मैं एकदम तैयार हूँ होली खेलने के लिए गाइस, रेडी। तो बस अब चलते हैं ऊपर होली खेलने के लिए। और गाइस Decathlon, 60 plus sports, 6000 plus products. तो गाइस ये देखिए हम सब लोग ऊपर आ गए हैं और ये देखिए कितनी मस्ती भरी होली हो रही है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा तो ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, आर्यन आदर्श और छोटी कृषा। मेरी छोटी कृषा तो इतना सारा पानी में गुलाल घोल दी है कि पूरी बाल्टी में गुलाल ही गुलाल कर दिया। और आर्यन आदर्श तो अपनी चाची को बलून भर भर के फेंक रहे हैं, और जो स्प्रे आता है वो इतना छिड़क रहे हैं, इतना जो भी सबसे ज़्यादा गाइस
क्या आप लोग भी ऐसे मस्ती भरी होली खेलते हैं? और गाइस सबसे खास बात ये है कि मुझे और ये जो बच्चे हैं आर्यन आदर्श कृषा, हम सब लोग मिलकर आपस में ही इंजॉय करते हैं। किसी की ज़रूरत ही नहीं बाहर की कोई हम लोग के संग खेले हैं। आज न छोड़ेंगे मत हम गोली, चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। और ये देखिए हम दोनों प्लानिंग कर रहे हैं पूनम को खूब गाढ़ा गाढ़ा कलर लगाने की। पूरा छत पे रंग रंग देखिए, वेलकम गुड पूरा छत पे। छोटा हो या बड़ा, टीवीएस एक्सेल 100 के लिए सब कुछ आता। टीवीएस एक्सेल 100 सिर्फ 100 नहीं, 100 से बढ़कर। तो गाइस हम लोगों ने होली खेल ली है और अब हम लोग जा रहे हैं नहाने। बच्चों ने नहा लिया है, आर्यन ने भी नहीं नहाया और आदर्श को मैंने नहला दिया है, आदर्श नहा चुका है।
और अभी पतिदेव भी नहीं नहाए हैं और पूनम तो नहा रही हैं, तो सब लोग लाइन लगाए हैं नहाने के लिए। तो गाइस होली में बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। तो गाइस अब चलिए नहाते हैं, ये लाइन लगी है, सब लोग नहा और अर्चना अपने बाल धो रही, बाल में इतना कलर लगा है अर्चना के बाल में, देखो चेहरे में भी खूब लगा है। तो सब लोग लाइन लाइन से नहा रहे, बिट्टो हमारी नहा चुकी है, आदर्श नहा चुके हैं और सब लोग लाइन लगाए हैं, अभी सबका नंबर आ रहा नहाने के लिए। छत का नज़ारा देखिए, सब दीवारों पे ये देखिए कितना सारा रंग लगा है दीवारों पे, और छत पे देखिए कितना सारा रंग पड़ा है, ये देखिए। और ये म्यूजिक सिस्टम रखा है, पूरा छीप गया है रंग से कलर। गाइस ये देखिए आदर्श नहा चुके हैं और उसको लग गई है भूख, तो मैंने उसे खाना दिया है और वो खा रहा है खाना। और इसके बाद में अभी हम देखते हैं आर्यन क्या कर रहा है। तो ये देखिए आर्यन ने भी नहा लिया है और उसके हाथ में अभी भी खूब सारा कलर लगा है, नहा चुका है। और गाइस ये देखिए बजने वाले हैं 4 और मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो गाइस हमने भी ये देखिए नहा लिया है और नहा तो लिया है बट कलर अभी ठीक से फेस से गया नहीं, अभी भी फेस पर बहुत सारा ये देखिए कलर लगा है। मैंने कितनी बार वॉश किया है अपने फेस को मगर फिर भी पूरी तरह से अभी नहीं निकला है, क्योंकि भैया निकलने में लगेगा समय क्योंकि इतना ज़्यादा कलर लगाया गया है, तो इतनी जल्दी कैसे निकल जाएगा। गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के संग आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होली।